ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ संबंध में असं इतने डीसी दफ्तर पहुंचे हाँ सारे अध्यापक साथी असी पुरजोर सरकार को बार बार अपील करते हैं ये जो किसानों का संघर्ष हो रहा है इस कले किसान ही नहीं मजदूर यूनियन व्यापारी यूनियन आढ़ती यूनियन हर एक यूनियन सारे पंजाब के जिन्हें भी लोग ने इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ जोरदार जन अंदोलन कर रहे हैं। एक किसानों का नहीं आम लोगों का विद्रोह जो है सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ चलिया हुआ है। सो अं अपील ही करते हैं बेनती करते हैं या कह लो कि जोर दे के भी कहने जोड़े खेती के बिल ने तीनों बिल ये रद्द किए जान। सरकार ने जो गलती तो कर ली है बिल पास करके गलती इस तरह की है कि खुद सरकार मानती है तो असं इस 15-20 सौदा कर दें 15-20 गल् लिखिया बिल च और जो 15-20 सौदा करने तैयार है तो मतलब बिल गलत बने ने। सो ये जो बिल ने यह रद्द होने चाहिए ने इस ही किसान व्यापारी मजदूर वर्ग का भला है। ये जो मोदी सरकार है भाजपा सरकार है ये EVM की देन है। EVM मशीन जी है बहरले मुल्कों को आई है जिथे कि इसका मुकम्मल तौर पर बाईकाट है उन्होंने कूड़े च सड़ी होती है ये चक लिया उन्होंने हैक करके एक आम जहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोड़ा है वह भी इनू हैक करके इस अपने मनपसंद नतीजे बना सकता है। सो ये जी भाजपा सरकार है EVM हेराफेरी करके सरकार बनाई गई है तानाशाही हो रही है धक्का हो रहा है तरह तरह के पुठे सीधे जोड़े ने कानून बनाए जा रहे हैं किसानों के खिलाफ बिल बनाता कभी किसी के खिलाफ बनाता कभी कुछ कर दिता कभी नोटबंदी कर दी। सो योजे जोड़े ने आम लोगों के जो फायदे में नहीं थे आम नागरिकों के जिंदगी खिलवाड़ करते हैं उन्होंने रोजी रोटी खिलवाड़ है उन्होंने भविष्य खिलवाड़ है वो जे कानून जोड़े वो ना बनाए जाए जो किसानों के आम साढ़े आम देशवासियों के आम नागरिकों के लोग हित में होना जहाँ कानून पास करने चाहिए हैं। जे योजे गलत कानून पास होंगे तो लोग इस तरह अंदोलन करेंगे सड़क पर आएंगे तो सरकार को फिर मूँह नहीं खानी पवेगी। मैं यही बेनती करता हूँ जय जय जवान जय किसान जित लड़ते लोगों की। हाँ जी देख रहे हो।